हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल माई राजा बेटा एंड राजा बेटियां, आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली. अन अकेडमी विच इज अनबीटेबल, विच इज अनस्टॉपेबल, जस्ट बिकॉज ऑफ यू. इतने कम समय में इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दे करके आपने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आज हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीट लाइव पर भी एंड हमारे स्पेशल प्रोग्राम प्लस पर भी. हमेशा आपसे कहता हूं, प्लस का प्रोग्राम जरूर एक्सप्लोर करके देखिए, आपको बहुत सी बेहतरीन चीजें वहां पे नजर आएंगी. अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए आई वुड सजेस्ट यू दैट कम एंड ज्वाइन अस ऑन प्लस. चलिए, सो थोड़ा सा वार्म अप सेशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की कहानी बढ़ाते हैं. दैट इज एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन चल रहा है. इवोल्यूशन पे बच्चों के बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, पहली बार हम एक्चुअल में समझे हैं कि इवोल्यूशन है क्या. आज तक तो चीज़ों को ऐसे रटते ही आ रहे थे, बस इसीलिए कि भाई एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आई थी चीज़ें कभी. लेकिन ये लेक्चर्स देखने के बाद आपके दिमाग के कपाट खुले हैं और इवोल्यूशन ने आपको सोचने पर मजबूर करा है. एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन चल रहा है जी हमारा टॉपिक और लेक्चर नंबर 6 है आज इसका. आज हम डिस्कस करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एविडेंसेस फ्रॉम पेलियंटोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, एंड एविडेंसेस फ्रॉम जू जियोग्राफी दैट इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स. ओके मेरे राजा बेटा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात भाई, टेलीग्राम का ये ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या होना है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन के ब्राउजर में ये टाइप करना है tinyurl.com/neetlivechat. इसके जरिए आप हम लोगों से जुड़ जाते हैं. आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, नीट के एग्जाम से रिलेटेड जितनी लेटेस्ट न्यूज होती हैं वो भी हम टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. प्लस अन अकेडमी प्लस विच इज अनडाउटेडली प्लस, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो कि डिजाइंड है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को चार चांद लगाने के लिए. यहां पे टेस्ट्स हैं, रेगुलर क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं एंड मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन. भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, घर बैठे आपको ये सभी सुविधाएं मिल रही हैं. सो प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा. प्लस पे चलने वाले बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं वहां पे. सो एक बार आप इसे एक्सप्लोर कीजिए और फिर आप हमारे साथ जुड़ जाइए. करना क्या है आपको, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको अपने सेलफोन में डाउनलोड करना है. अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको प्लस के सेक्शन में जाना है. प्लस के सेक्शन में जाने के बाद आपको नीट कैटेगरी चूज करनी है बिकॉज आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं. एंड फाइनली जब आप सब्सक्रिप्शन का डिसाइड करेंगे, जब आप ले लेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए मन बना लेंगे, यू हैव टू यूज दिस कोड नीट लाइव. ये कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है. इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको टोटल फी में डिस्काउंट मिलता है, तो ये पॉकेट फ्रेंडली रहता है. नीट लाइव कोड 10% ऑफ, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए. चलिए जी, क्या कोटेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, वो कोटेशन ये कहती है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स. सहज पके सो मीठा होए, है ना. सो धीरे 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 भी आप अगर कर रहे हैं ना किसी काम को, बिग रिजल्ट्स मिलेंगे. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके एफर्ट्स में, रेगुलरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. और ये भी जरूर देखना है कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एक कॉम्पिटिशन है, एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन है. लाखों बच्चे इस इम्तिहान को, इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन लाखों के लाखों अपने सपने साकार तो नहीं कर पाएंगे, सीट्स लिमिटेड हैं. यही होता है कॉम्पिटिशन, समझे आप. तो आपको अपना कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाना है. हमारा मकसद किसी दूसरे को हराने का नहीं है, चलो हम ये मान लेते हैं. भाई हमारा मकसद हमें स्वयं को जिताने का है, हमें अपना कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाना है. हम इतने कॉम्पिटेंट स्वयं में हो जाएं कि भाई हमें दूसरे की चिंता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. जब आपका कॉम्पिटेंस लेवल दूसरे से बढ़िया है तो स्वाभाविक सी बात है आप ही के हाथ जीत लगेगी. एग्रीड. चलो जी, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, ये तस्वीर इससे आप फेमिलियर हो चुके हैं. ये है जी आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, जिसका फॉसिल डिस्कवर किया गया बाय एंड्रियस वैगनर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बेवेरिया विच इज इन जर्मनी.
ये फॉसिल केवल एक छाप है, एक इंप्रेशन है, इंप्रेशन ऑन अ सेडिमेंट्री रॉक, इट्स क्रैप्ट कैप्टन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि आर्कियोप्टेरिक्स को एक मिसिंग लिंक माना जाता है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इसमें रेप्टिलियन फीचर्स भी थे, एवियन फीचर्स भी थे। सो इससे प्रमाणित होता है कि दो अलग अलग ग्रुप्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आपस में रिलेशन रहा है। हग्जले ने कहा था, बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स की लेग्स पर स्केल्स पाए जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उनकी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री रही है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। सो हम क्या क्या एविडेंसेस पढ़ चुके हैं, है ना, एक बार देख लेते हैं कि हमने अपनी लाइव क्लासेस में क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, जिसमें हमने पढ़े थे बेटा होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एटाविज्म, कनेक्टिंग लिंक्स, राइट। उसके बाद हमने जिक्र किया था एविडेंसेस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो इनिशियल स्टेजेस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, वो सभी जानवरों की लगभग सिमिलर रहती हैं, वही फर्टिलाइजेशन, वही जायगोट, उसके बाद मोरूला, ब्लास्टुला, क्लीवेज डिविजन्स होती हैं। तो अगर आप सभी जानवरों की बिगिनिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ें, शुरुआती स्टेजेस, तो आप पाएंगे कि वहां पे सिमिलैरिटी नजर आती है, राइट। वॉन बेयर के बाद बारे में बताया था मैंने, ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन किया था, हैकल ने कहा था ना, ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट्स, फाइलोजेनी, क्या मतलब था इसका, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल रिपीट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं राजा बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, evidences from the field of paleontology, the study of fossils, evidences from the field of zoogeography, that is the geographical distribution of animals. Okay ji, chaliye to shuru karte hain evidences from physiology and biochemistry. So main chahunga ki jin logon ne abhi tak like nahi kara hai lecture, jaldi se like ka button press kar dijiyega, aapke likes hamare liye energy ka kaam karte hain. Zikr karte hain physiology and biochemistry ka. देखिए बेटा, जब आप सभी एनिमल्स की बात ले लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम से प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स, बेसिक सेल स्ट्रक्चर भी आपको सिमिलर मिलता है। अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो भाई हर सेल के अंदर वही न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी है, सेंट्रियोल्स है, प्रोटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, बेसिक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली बातें भी सेम है। सो इवन सेलुलर लेवल पे भी सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रही है। प्रोटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, बेसिक जो हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री है या किसी भी जानवर के शरीर की बायोकेमिस्ट्री है, वो आपको सिमिलर मिलेगी। वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये बेसिक एलिमेंट्स आपको सब जगह सिमिलर मिलेंगे। हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ में, जीवन की शुरुआत जो हुई है वो पैनिन एंड हाल्डन ने जो कंसेप्ट अपना दिया था कि करोड़ों साल पहले जब अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था आजकल की प्रेजेंट डे कंडीशन से। देर वॉज अबंडेंस ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, तो यानी बेसिक वही आ गया ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो सब तो आज भी मौजूद है। हमारी जिंदगी का बेसिक आधार जो है वो केमिस्ट्री ही तो है। ये बेसिक मॉलिक्यूल्स आपस में एक डेफिनेट तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं और जीवन की संरचना इसी से हुई है। So, देखते हैं जी, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नियरली सिमिलर इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आपको देखने को मिलते हैं। बिग फोर एलिमेंट्स कहा जाता है इन्हें, राइट। इसमें फॉस्फोरस, सल्फर भी लगा दें तो हम फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कह देते हैं उन्हें। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर सिमिलर। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन सेल के अंदर हो रहा है, चाहे आप वो सिंपल से सिंपल स्पॉन्जेस के सेल्स में देख लीजिए, चाहे आप हायर एनिमल्स में देख लीजिए, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स सिमिलर हैं। अमोनिया, अमोनिया इज फॉर्म्ड एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अमोनिया बनता है, उसे शरीर से निकालने का तरीका अलग हो सकता है। कुछ जानवर डायरेक्टली अमोनिया एक्सक्रीट कर देते हैं और वो क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं, वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। यूरिया साइकिल पढ़ते समय हमने इसका जिक्र किया था, अमोनिया कंबाइन्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स कार्बामाइल फॉस्फेट, वो ऑर्निथीन से जुड़ता है और फिर आगे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं एंड फाइनली यूरिया बनता है। सो कहने का मतलब है कि अमोनिया इज फॉर्म्ड एज अ बेसिक नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट।
प्रोटीन्स टूटते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स का अमाइनो ग्रुप जब टूटेगा, डीअमाइनेशन होगा, तो अमोनिया बनता है। ट्रिप्सिन, अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम, ट्रिप्सिन को एंसेस्ट्रल एंजाइम कहा जाता है। एंसेस्ट्रल एंजाइम से क्या मतलब है कि भाई ये एक ऐसा एंजाइम है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, चाहे आप प्रोटोजोआ की बात कर ले, फ्रॉम प्रोटोजोआ टू प्राइमेट्स, प्रोटोजोआ से लेकर के प्राइमेट्स तक ये एंजाइम पाया जाता है। और ट्रिप्सिन करता क्या है, ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ट्रिप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। आप जानते हैं ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, राइट, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन सब के फंक्शंस आपने पढ़े हैं कि प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है। आगे बढ़े, वेल अमाइलेज, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम अमाइलेज जो है दैट इज ऑल्सो फाउंड इन मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ कुछ है जानवर जिनमें अमाइलेज नहीं भी होता है। सो अमाइलेज भी कई तरह का, जैसे ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा था सलाइवा में सलिवरी अमाइलेज है, पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, इंटेस्टिनल जूस में इंटेस्टिनल अमाइलेज है। सो और जानवरों में भी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। अगर हम रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो क्रिएटिन फॉस्फेट, इट इज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, हड्डियों वाले जानवर जो है, वर्टिब्रेट्स जो हैं, उनमें क्रिएटिन फॉस्फेट रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड आर्जिनिन फॉस्फेट इज द रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। आप जानते हैं भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, एटीपी इस्तेमाल हुआ, एटीपी जब टूटा एडीपी फॉस्फेट बना, उसके बाद दोबारा से एडीपी को एटीपी बनने के लिए फॉस्फेट चाहिए ना, तो वो कहां से आएगा, क्रिएटिन फॉस्फेट से। क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट एडीपी को दे देता है और वो एटीपी बन जाता है, और फिर क्रिएटिन जो है वो क्रिएटिनिन में भी टूटता है और यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। वेल दोज वर द एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एक और बात बताना चाहूंगा, अगर हम हॉर्मोन्स का जिक्र करें तो एक वर्टिब्रेट के हॉर्मोन्स दूसरे वर्टिब्रेट में भी इफेक्टिव होते हैं। सो ये भी एक बात हम यहां पर नोट कर लेते हैं, हॉर्मोन्स ऑफ वन वर्टिब्रेट, मान लीजिए आप रैबिट के थायरोक्सिन हॉर्मोन की बात कर रहे हैं, हॉर्मोन्स ऑफ वन वर्टिब्रेट आर इफेक्टिव इन अदर वर्टिब्रेट्स ऑल्सो, दे आर इफेक्टिव इन अदर वर्टिब्रेट्स ऑल्सो। रैबिट का थायरोक्सिन जो है वो पिग में भी काम करेगा, पिग का थायरोक्सिन जो है वो डॉग में भी काम करेगा, राइट। इसके अलावा अगर आप हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी आपको काफी सिमिलैरिटी नजर आएंगी, अगर आप प्राइमेट्स का हीमोग्लोबिन कंपेयर कर लें आपस में, राइट। सो दैट मीन्स कि सभी एनिमल्स में आपस में रिलेशन रहा है, रिलेशन है उनमें, कोई एक कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर रहा होगा जहां से फिर आगे ये सभी ऑर्गेनिजम्स बने हैं, और यही तो हम साबित करने जा रहे हैं, दैट इज देयर आर एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ इवोल्यूशन। आगे जिक्र करते हैं बेटा जी एविडेंसेस फ्रॉम द फील्ड ऑफ पेलियंटोलॉजी यानी फॉसिल्स। फॉसिल्स होते क्या है बेसिकली, आपको ये नहीं समझना है कि फॉसिल सिर्फ किसी जानवर की हड्डियां या दांत हमें मिल जाएं जो करोड़ों साल पहले जमीन में दब गए थे, सेडिमेंट्री रॉक्स में दब गए थे, ऐसा जरूरी नहीं होता। फॉसिल सिर्फ डेड रिमेन्स ही नहीं होते, इवन किसी जानवर की छाप भी पड़ गई है किसी सेडिमेंट्री रॉक पे, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के केस की बात कर रहे हैं हम, इंप्रेशन भी हो सकते हैं फॉसिल्स, मोल्ड हो सकते हैं, कास्ट्स हो सकते हैं, प्लांट्स कुछ रेजिनस मटेरियल सिक्रीट करते हैं, मान लीजिए कोई मच्छर या कोई इंसेक्ट करोड़ों साल पहले उस रेजिन में फंस गया, सो वो भी फॉसिल कहलाएगा। सो फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स, impressions, molds, casts of the organisms which existed in the past. Fossils, जमीन से जब आप खुदाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपको कुछ fossils ऐसे मिले जो बहुत गहराई से मिल रहे हैं और कुछ fossils ऊपर की layer से मिल रहे हैं, तो इससे एक rough idea हम लगा लेते हैं कि भाई fossils which are found in the deeper layers of the earth वो ज्यादा पुराने होंगे और जो ऊपर वाले हैं वो नए होंगे। मतलब फॉसिल्स की एज एस्टिमेट करने का एक रफ तरीका,
लेकिन ये जरूरी नहीं है, बिकॉज अर्थ के क्रस्ट में भी कई तरह के बदलाव होते रहते हैं, नीचे की लेयर्स ऊपर, ऊपर की लेयर्स नीचे भी जा सकती हैं। सो ये कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं होता फॉसिल्स की एज को एस्टिमेट करने का। इसके अलावा कार्बन 14 डेटिंग एक तरीका है जी, राइट? आपने पढ़ा है कार्बन 14 रेडियोएक्टिव है, सो एक तरीका वो है। देन देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, पोटेशियम आर्गन मेथड, लेड यूरेनियम मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड जो है वो सबसे बेहतरीन मेथड माना जाता है फॉसिल्स की एज को एस्टिमेट करने का। जो किसी जानवर का हार्ड पार्ट है, मान लो भाई हड्डियां हैं, बोन्स हैं, या उसके दांत हैं, टीथ हैं, सो हार्ड पार्ट्स के फॉसिलाइज होने के चांसेस स्वाभाविक सी बात है कि वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द सॉफ्टर पार्ट्स। एग्रीड? सो द चांसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन ऑफ द हार्डर पार्ट्स, बोन्स एंड टीथ, आर मोर एज कंपेयर टू द सॉफ्टर टिश्यूज। सॉफ्टर टिश्यूज जो है वो डिजेनरेट कर जाएंगे, पैथोजन्स उन्हें खा जाएंगे, बैक्टीरिया, एनवायरमेंटल एजेंट्स, कितनी सारी चीजें हैं जो कि उसे डिकम्पोज कर सकते हैं, गला सड़ा सकते हैं। फॉसिल्स बनने की प्रोसेस जो है धीरे धीरे पेट्रिफिकेशन जो हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल उनका धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इसमें काफी समय लग जाता है। हिस्टोमेटाबेसिस कहते हैं इसे, इसमें काफी समय लगता है। देखिए, द रॉक्स ऑफ अर्ली एरा, हम इराज भी पढ़ेंगे, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सीनोजोइक, मीजोइक, सब बताऊंगा आपको ये। द रॉक्स ऑफ द अर्ली एरा, that is proterozoic, contain less number of fossils than the rocks of later era, and only fossils of simple marine invertebrates are seen in these rocks. ye kis karan se hai? It is due to the fact that life first originated in sea as a simple form. hum jante hain life ka origin pani mein hua hai. water acts as an excellent solvent. pani mein cheeze ghul jati hain, जिसके कारण पानी ने बेहतर चांसेस प्रोवाइड किए होंगे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के लिए। सो फॉसिल्स वर नॉट इन प्लेंटी इन द बिगिनिंग एज दे वर इन द लेटर स्टेज। बहुत पुरानी बातें अगर आप करें कि करोड़ों साल पहले जब लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, वहां के फॉसिल्स ढूंढ पाना काफी कठिन होता है। मिसिंग लिंक्स या ट्रांजिशनल फॉर्म्स का जिक्र करते हैं यहां पे। द फॉसिल ऑर्गेनिजम्स विच शो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड मिसिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में अंतर क्या आ गया? कनेक्टिंग लिंक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आज भी आपके सामने जिंदा है। कनेक्टिंग लिंक में स्फिनोडॉन आपने पढ़ा था, पेरिपेटस, नियोपाइलिना, प्रोटीरोस्पॉन्जिया, सो वो कनेक्टिंग लिंक है जो लिविंग है। ऐसे कनेक्टिंग लिंक्स जो अब लिविंग नहीं है, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉसिल्स ओनली, दे आर कॉल्ड मिसिंग लिंक्स। ठीक है बेटा, मिसिंग लिंक्स में आर्क्योप्टेरिक्स एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। इच्थायोस्टेगा, सबके बारे में बताता हूं। सिमोरिया, इनको प्रोनाउंस करना है वो कैसे वो सीख लीजिए। लाइसिनोप्स, साइनोगनेथस। सो आर्क्योप्टेरिक्स अभी आगे डिटेल में भी डिस्कस्ड है। इट इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इच्थायोस्टेगा क्या है? इच्थायोस्टेगा अ प्रिमिटिव फॉसिल एम्फीबियन विच इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। सेमोरिया, मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। लाइसिनोप्स, अ मैमल लाइक रेप्टाइल कंसिडर्ड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अभी थोड़ी सी टेक्निकल सी बातें हो गई, आपको याद करनी पड़ेंगी बेटा, क्वेश्चन इन पे से पूछे जा सकते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स तो वन ऑफ द फेवरेट मिसिंग लिंक फॉर द एग्जामिनर, आई वुड से। साइनोगनेथस, इट वॉज अ मैमल लाइक रेप्टाइल एंड हैड करेक्टर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। It was one of the ancient reptilian ancestors of mammals. ठीक है, सो ये नाम आप याद रखेंगे। मिसिंग लिंक में कौन कौन से? Archaeopteryx, Ichthyostega, Simoria, Lysanops, Cynogonathus. बड़े आ गए, लाइक्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, राइट? और लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा, आप अपने विचार, अपने कमेंट्स उसमें जरूर दीजिएगा। और जितने नोट्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं पीडीएफ को अगर आप प्रिंटआउट की फॉर्म में निकाल के रख सकें, वेल एंड गुड। यदि किसी कारणवश आप प्रिंटआउट नहीं ले सकते हैं, सो आप अपने फोन में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप में इनको सेव रखिए। इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको, राइट? आर्क्योप्टेरिक्स, वही तस्वीर फिर से मैंने आपके लिए लगाई है। आर्क्योप्टेरिक्स लिथोग्राफिका,
द फॉसिल डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा एंड्रियस वेगनर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बेवेरिया विच इज इन जर्मनी. इसका फॉसिल को इसकी हड्डियां नहीं मिली थी हमें. फॉसिल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंप्रेशन ऑन अ सेडिमेंटरी रॉक एंड इट इज कैप्ट इन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन. इसमें दो अलग अलग ग्रुप्स के फीचर्स थे, रेप्टाइल्स के भी और बर्ड्स के भी. सो हम देखते हैं आगे कि इसमें रेप्टिलियन फीचर्स क्या हैं और एवियन फीचर्स क्या हैं. रेप्टिलियन फीचर्स है दैट बोन्स आर नॉन न्यूमैटिक. आप जानते हैं बर्ड्स के केस में न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं. इसमें जॉज आर प्रोवाइडेड विद टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट. बर्ड्स में दांत नहीं होते, बर्ड्स में तो हॉर्नी बीक होती है. सो यहां पे द जॉज आर प्रोवाइडेड विद टीथ. देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ वीक स्टर्नम. बर्ड्स के केस में जो स्टर्नम है वो कील्ड होती है. कील्ड स्टर्नम जो है, कील होता है उसमें फॉर अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल्स. यहां पे ये रेप्टिलियन फीचर्स हैं. प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉडल वर्टिब्रे एज देयर फाउंड इन लिजर्ड्स. आप जानते हैं बर्ड्स के केस में तो कॉडल वर्टिब्रे फ्यूज कर जाते हैं और वो फ्यूज करके दे फॉर्म अ सिंगल बोन दैट इज कॉल्ड पाइगोस्टाइल. बर्ड्स के केस में कॉडल वर्टिब्रे फ्यूज्ड होते हैं. सो ये इसके रेप्टिलियन फीचर्स हैं. तीन फीचर्स चार है, ज्यादा नहीं है, आप याद रख सकते हैं आराम से. एवियन कैरेक्टर्स क्या क्या थे? एवियन रेफर्स टू बर्ड्स. भाई इसमें बर्ड्स वाले फीचर्स क्या क्या थे? इसमें पंख थे, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, बीक भी है और दांत भी है उसमें. फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, बर्ड्स का फीचर है. फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट. एन इंटीमेट फ्यूजन ऑफ द स्कल बोन्स एज सीन इन बर्ड्स. बर्ड्स के केस में स्केलेटल सिस्टम में बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं बिकॉज उन्हें अपना बॉडी वेट कम से कम रखना है उड़ने के लिए. ठीक है बेटा जी, तो ये थी एविडेंसेस फ्रॉम द फील्ड ऑफ पेलियंटोलॉजी. फॉसिल्स पॉलन ग्रेन्स के भी हो सकते हैं, पेलियानो फॉसिल्स कहते हैं उन्हें. फॉसिल किसी जानवर की एक्सक्रीटा का भी मिल सकता है आपको. जब किसी जानवर की एक्सक्रीटा का फॉसिल आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड कॉप्रोलाइट. मैं लिख देता हूं जी आपके लिए. कॉप्रोलाइट किसको रेफर करता है? कॉप्रोलाइट रेफर्स टू फॉसिलाइज्ड एक्सक्रीटा. ठीक है, इसी तरह से पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स पेलियानो फॉसिल्स. जहां से हमें पेलियानो फॉसिल्स मिलते हैं वो एक इंडिकेशन होता है कि वहां पे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हो सकते हैं. क्रूड ऑयल पेट्रोलियम हमें वहां पे मिल सकता है. अब आती है जी बारी बायो ज्योग्राफिकल एविडेंसेस. जू ज्योग्राफिकल एविडेंसेस भी बोल देते हैं हम. एविडेंसेस फ्रॉम द फील्ड ऑफ बायो ज्योग्राफी. नाउ दिस बायो ज्योग्राफी रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द एंटायर प्लैनेट अर्थ. आप पढ़ेंगे इसमें कि आज से करोड़ों साल पहले जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सब एक जॉइंट लैंड मास की फॉर्म में थे जिसे पैनजिया कहते थे. धीरे धीरे जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जाने लगे. एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं. अगर आप दूर जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो पास आ ही रहा होगा. सो जिससे कि दो और लैंड मासेस बने, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड मास. उसके बाद फिर वो फर्दर आगे टूटे, यूरेशिया, यूरोप, एशिया, राइट. सो बायोजियोग्राफी होता है, इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ. अगर आप स्पेसिफिकली जानवरों की बात करें तो जू ज्योग्राफी कह देते हैं हम उसे. एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन बायोज्योग्राफी, दोज एविडेंसेस आर कॉल्ड बायोज्योग्राफिकल एविडेंसेस. इसमें हम जानेंगे कि कुछ जानवर जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं. ऐसा क्यों है? देखिए बेटा इधर, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि अर्थ पे, धरती पे, पूरे हमारे प्लैनेट पे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब स्टेबल नहीं है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में भी आप पढ़िएगा, आपको पता होगा कि इंडिया जो है ये भी पूरे का पूरा हिमालयस के पास ऐसे ऐसे आकर के टकराता जा रहा है और चीजें ऊपर को उठ रही हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें हिमालयस की पीक में से कई ऐसे जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं. तो बड़ी हैरानी की बात है, समंदर की गहराई में पाए जाने वाले जानवर का फॉसिल हिमालयों की चोटी के ऊपर कैसे पहुंच गया. तो इसका मतलब यही है ना कि जो आज हमें इतने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं शायद वो जगह पहले कभी गहरे समंदर के रूप में थी. फिर वो धीरे धीरे चीजें ऐसे ऊपर उठने लगी और ऊंचाई बढ़ती गई. अराउंड कार्बोनिफेरस पीरियड, नियरली 345 मिलियन ईयर्स अगो,
ऑल द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स वर इन द फॉर्म ऑफ अ जॉइंट लैंड मास विच वॉज कॉल्ड पैनजिया, PANGEA. आपने ज्योग्राफी में भी शायद जूनियर क्लासेस में ये चीज पढ़ी होगी. लेटर ऑन ड्यू टू वेरियस जियोलॉजिकल चेंजेस ह्यूज लैंड मासेस दे ब्रोक ऑफ एंड ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. पहले सब ये एक था, ऐसे ही आप देख पा रहे हैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया जुड़ा हुआ है आपस में. नॉर्थ अमेरिका इधर दिख रहा है आपको, दिस इज इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. फिर ये सब एक दूसरे से ऐसे ऐसे दूर जाने लगे. क्लियर है जी? राइट, आगे बढ़ते हैं. नाउ इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या अलग अलग बायोजियोग्राफिकल रेल्म्स हैं. रेल्म शब्द का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया. स्काल्टर और वेलेस की बात हम यहां पे जिक्र करेंगे कि पूरे संसार को, पूरे विश्व को उन्होंने बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज में बांट दिया. पेलियार्क्टिक रेल्म, नियार्क्टिक रेल्म, नियोट्रॉपिकल रेल्म, इथियोपियन रेल्म, ओरिएंटल रेल्म. रेल्म शब्द का मतलब है वेरी वेरी बिग ज्योग्राफिकल एरिया. विल डिस्कस अबाउट डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, adaptive radiation, that is divergent evolution and convergent evolution or the adaptive convergence. So, पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन से अलग अलग zoo geographical realms हैं. So, जिक्र होता है जी biogeographical realms का. आपके सामने स्लाइड पे मैंने बना करके भी दिखाए हैं आपको ये नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा बेटा जी. ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है, दिस इज पेलियार्क्टिक रीजन, राइट. यहां पे आपको ये जो हल्के से ब्लूश ग्रीनिश कलर में दिख रहा है, ये दिस इज व्हाट इज नी आर्कटिक रेल्म, दिस इज नियो ट्रॉपिकल रेल्म, राइट. दिस इज द ऑस्ट्रेलियन रीजन, इंडो मलयन रीजन जो है, इंडिया और मलेशिया, इंडो मलयन रीजन कह दिया उसे. नाम देखते हैं अभी हम आप आगे. इधर द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन्स विच आर कॉल्ड रेल्म्स. किस आधार पे? On the basis of distribution of animals and plants. Paleoarctic realm में किस तरह का flora and fauna है, Nearctic में अलग flora and fauna है, Neotropical में अलग है, Ethiopian में अलग है, Australian में अलग है. ये Ethiopian वाला कहलाता है जिसको Afrocotropical लिखा है यहाँ पे. Dr. P.L. Sculter proposed first time the division of world into 6 zoo geographical realms. According to distribution of birds, Sculter ने उसे birds की distribution के आधार पे बांटा था. उसके बाद Wallace, A.R. Wallace, Wallace के बारे में डिटेल में जानेंगे जब Darwinism पढ़ेंगे. Wallace adopted it for the animals as well, the other animals as well. Okay? कौन-कौन से realms हैं मेरे बेटा? ये आपको याद रखने हैं. Palearctic realm, Oriental, Australian, इथियोपियन, नियार्क्टिक, नियोट्रॉपिकल. और इन रेल्म्स में कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड है, एक हल्का आइडिया इसका जरूर रखिएगा. बहुत पहले के अगर आप पेपर्स देखेंगे AIPMT के, नीट तो एग्जाम चलिए बाद में हुआ है, सो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. सो बिकॉज अब क्योंकि कॉमन एग्जाम हो गया है कि भाई नीट में, एम्स, जिपमेर सब कुछ मर्ज्ड है, एक साथ है, सो स्वाभाविक है कि पेपर का लेवल तो थोड़ा ऊपर तो होना ही चाहिए. तो उसके लिए फिर हमें अपनी प्रेपरेशन भी तो थोड़ी ऊपर तो रखनी पड़ेगी ना, राइट. पेलियार्क्टिक रेल्म का जिक्र करते हैं जी. इट इंक्लूड्स यूरोप, नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, चाइना, सहारा डेजर्ट ऑफ द अफ्रीका, साइबेरिया. यहां पे पाए जाने वाले महत्वपूर्ण एनिमल्स जो हैं, देयर इज एनिवर्स, ब्यूफो, रेकोफोरस टोड है ये, है ना, रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग. एलाइट्स जो है मिडवाइफ टोड जिसे हम बोलते हैं, प्रोटियस, ब्लाइंड केव सेलेमेंडर, नैक्चुरस, मड पपी, वेरनस, राइट, देन जो लिजर्ड होती है वेरनस, एलिगेटर, हॉक्स, कैमल, टाइगर, सील एंड पांडा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी ओरिएंटल रेल्म. ओरिएंटल रेल्म में इंडिया इंक्लूडेड है, सो इस रेल्म का नाम तो हमें भाई याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट. इंडिया के अलावा और कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड है? इट हैज मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार या बर्मा कह देते हैं जिसे. इंपॉर्टेंट एनिमल्स, कार्प्स, फिशेस, कैटफिशेस, एपोड्स, एपोडन्स जो है, सिसिलियंस भी जिन्हें बोलते हैं, फ्रॉग्स, ड्राको, लिजर्ड,
पाइथन, स्नेक, कोबरा, किंग कोबरा, क्रोकोडाइल, गैवियालिस घड़ियाल जो होता है, पीकॉक, पावो, हॉर्नबिल्स, पॉर्क्यूपाइंस, लॉरिस, गिबन, राइनोसिरोस, एलिफेंट्स, टाइगर, लायन, सो ये ओरिएंटल रिल्म के एनिमल्स हैं। आगे देखते हैं जी ऑस्ट्रेलियन रिल्म। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अलग थलग है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड न्यूजीनिया, इस पूरे ऑस्ट्रेलियन रिल्म में ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के ये आइलैंड्स भी इंक्लूडेड हैं। यहां पे पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं सेरेटोडस। सेरेटोडस याद कीजिए, लंग फिशेस में पढ़ा है आपने। स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड टुआटारा, विच इज फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड। इट हैज अ वेल डेवलप्ड थर्ड आई कॉल्ड पैरापाइनियल आई लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ फोरहेड। ईमू, फ्लाइटलेस बर्ड, ड्रोमियस। किवी, अनदर फ्लाइटलेस बर्ड, एटेरिक्स। डक बिल्ड प्लेटिपस, आप जानते हैं स्पाइनी एंटीटर दैट इज टैकीग्लॉसस। डक बिल्ड प्लेटिपस क्या होता है? अंडे देने वाले मैमल्स जो हैं, और ऑर्निथोरिंकस। स्पाइनी एंटीटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड इकिडना और टैकीग्लॉसस। ऑपोसम, कैंगरू, कैंगरू इज मैक्रोपस। मार्सुपियल कैट। सो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से हमने देखा कि मार्सुपियल्स यानी पाउच्ड मैमल्स एंड एग लेइंग मैमल्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इथियोपियन रिल्म, जिसमें कि अफ्रीका, अरेबिया, मेडागास्कर ये इंक्लूडेड है। यहां के इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं प्रोटोप्टेरस विच इज अफ्रीकन लंग फिश, रैकोफोरस है, क्रोकोडाइल यहां भी मिलते हैं, कैमेलियन, पाइथन, ऑस्ट्रिच, स्केली एंटीटर दैट इज पैंगोलिन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जेब्रा, एलिफेंट्स, हिप्पोपोटामस, राइनोसिरोस, जिराफ, लायन, टाइगर। सो ऑलमोस्ट हर तरह के जानवर आपको मिल गए हैं यहां पे इथियोपियन रिल्म में। नी आर्कटिक रिल्म, नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है इसमें। नियार्टिक रिल्म जो है नॉर्थ अमेरिका। आप एक आसान काम कर सकते हैं इसे याद रखने के लिए, बाजार से आप ज्योग्राफी में जब आप वर्ल्ड मैप करते थे ना, सो आप वर्ल्ड मैप ले लीजिएगा कॉन्टिनेंट्स वाला। सो उसमें एक तो आपको कॉन्टिनेंट सारे पता हो जाने चाहिए, थोड़ी सी ज्योग्राफी अपनी रिफ्रेश कर लीजिएगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का आपको पता होना चाहिए। सो कॉन्टिनेंट्स की जब आप लोकेशन और जान जाएंगे ना, वहां पे आप बीच बीच में एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। आपको इंटरनेट से भी आप एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जिसमें ये सब जानवर आपको बने बनाए उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर दिख भी जाएंगे। रिल्म के हिसाब से उनका नाम लिख लीजिएगा ऊपर, दैट विल बी एन इजी वे टू रिमेंबर। नियोट्रॉपिकल, साउथ अमेरिका, यहां पे इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं लेपिडोसायरन। लेपिडोसायरन भी लंग फिश है। सिसिलियंस और द एपोडन्स, द लिम्बलेस एम्फीबियंस। हाइला, फ्रॉग का नाम है। पीपा, सुरिनेम टोड। रेटल, स्नेक, क्रोटेलिस। रिया, फ्लाइटलेस बर्ड। ऑपोसम, मार्सुपियल, वेम्पायर बैट। लामा, मार्सुपियल रैट। सो ये न्यू ट्रॉपिकल रेल्म के एनिमल्स हैं। आसान तरीका यही रहेगा याद करने का, वर्ल्ड मैप लाइए, एक तीन चार पांच कॉपीज ले आइएगा, उसको फिल करके खुद कोशिश करके फिल कीजिएगा, आपको आसान लगेगा याद करना। ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये। वेल, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। ओरिएंटल रेल्म इज सेपरेटेड फ्रॉम पेलियार्टिक रेल्म बाय हिमालयन माउंटेन्स। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। इथियोपियन रेल्म एंड ऑस्ट्रेलियन रेल्म आर सेपरेटेड बाय सी, उनके बीच में समंदर है। इथियोपियन रेल्म यानी अफ्रीका जो है और ऑस्ट्रेलिया। ओरिएंटल रेल्म एंड ऑस्ट्रेलियन रेल्म आर सेपरेटेड बाय वेलस लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों को सेपरेट करती है। पेलियार्टिक रेल्म एंड नी आर्कटिक रेल्म को पहले होलार्कटिक रीजन भी कह देते थे, होल ऑफ द आर्कटिक रीजन, तो होलार्कटिक रीजन, राइट। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानवर डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं क्लोजली रिलेटेड होने के बावजूद भी। समटाइम्स क्लोजली रिलेटेड सिमिलर स्पीशीज एग्जिस्ट एट वाइडली सेपरेटेड प्लेसेस विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरवीनिंग टेरिटरी। कि भाई वो जानवर जो हैं तो क्लोजली रिलेटेड, एक यहां पाया जा रहा है, एक यहां पाया जा रहा है। अगर इतना क्लोजली रिलेटेड है तो इतनी दूरी क्यों है उनके बीच में, और बीच की टेरिटरी में उनका कोई मिलता जुलता रिप्रेजेंटेटिव भी नजर नहीं आता है। ये कहलाता है डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है।
टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आर एलिगेटर्स लंग फिशेस. लंग फिशेस के बारे में बताया था, ग्रुप है डिपनॉय, राइट, और इनको अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं. डिपनॉय अंकल ऑफ एम्फीबिया. लंग फिशेस कौन कौन से लंग फिशेस हैं जी यहां पे? प्रोटोप्टेरस, लेपिडो साइरन, नियोसिरेटोडर्स, अफ्रीकन लंगफिश, साउथ अमेरिकन लंगफिश, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश. इंपॉर्टेंट है लंग फिशेस के नाम आपको याद होने चाहिए. ओके आगे बढ़ रहा हूं. एलिगेटर्स, देखिए आज कहेंगे कि सर आपने आज बहुत कम एनिमेशन हमें दिखाई हैं. ये मिला है मुझे एक एलिगेटर आपके लिए, सो मैंने इसे यहां पे कैद करा है. एलिगेटर्स जो है दे आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न यूएसए एंड ईस्टर्न चाइना. आपने हिंदी में ना हम मगरमच्छ कह देते हैं इन्हें, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल. घड़ियाल्स आर फाउंड ओनली इन इंडिया. घड़ियाल का जूलॉजिकल नेम होता है गैवियालिस गैंजेटिकस. सो घड़ियाल जो है उसमें घड़े जैसा एक स्ट्रक्चर उसके स्नाउट के ऊपर बन जाता है, तो इसलिए घड़ियाल कहते हैं. एलिगेटर्स जो है वो इंडिया में नहीं पाए जाते, राइट. क्रोकोडाइल्स इनमें से मोस्ट डेंजरस होते हैं. लंग फिशेस, ये देखिए लंग फिशेस, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. मैंने नाम बताया आपको, लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटोडस. तो ये लंग फिशेस भी डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन बड़ी दूर दूर जगहों पर पाई जा रही हैं. डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में और उदाहरण देखते हैं. एलिफेंट्स फाउंड इन अफ्रीका एंड इंडिया, राइट. एलिफेंट में भी अलग अलग प्रजातियां होती हैं इसमें, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट जो है. टापिर, ये आपके सामने जो दिखाया गया है, दिस इज टापिर. शायद आप में से बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा टापिर. टापिर्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल अमेरिका एंड मलयन आइलैंड्स. मैग्नोलियाज, ट्यूलिप्स, ससेफ्रास, दे ग्रो नेचुरली इन द ईस्टर्न यूएसए एंड इन चाइना ओनली. नेचुरल हैबिटेट जो है इन प्लांट्स का वो यही है, ठीक है. डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है. एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स मत भूलिएगा, एग्जाम्पल्स पर ही क्वेश्चन फ्रेम होता है. आगे देखते हैं जी. रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेटिपस आप देख पा रहे हैं, देखो कितनी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है. द पार्ट्स सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड हैव यूनिक फौना एंड फ्लोरा. ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पे एग लेइंग मैमल्स पाए जाते हैं विच आर कॉल्ड प्रोटोथीरियंस और मोनोट्रीम्स. मोनोट्रीमेटा इज एन ऑर्डर इन द प्रोटोथीरिया. मोनो रेफर्स टू वन एंड ट्रेमा रेफर्स टू ओपनिंग. सो इट इज मोनोट्रीमेटा, सिंगल ओपनिंग, दैट इज रेफरिंग टू क्लोएका. ये एग लेइंग मैमल्स हैं, दे हैव क्लोएका फॉर लेइंग द एग्स. Then there are pouched mammals. Pouched mammals are marsupials. Right? जिसमें duckbill platypus, spiny anteater. Zoological name भी याद रखिएगा. Duckbill platypus का है ornithorhynchus and जो spiny anteater है that is echidna और tachyglossus. Australia separated from mainland of Asia during Mesozoic era. Mesozoic era was the golden age of reptiles. Before the placental mammals evolved. जब placental mammals evolve ही नहीं हुए थे, ये बहुत पहले की बात हो रही है Mesozoic era की, right? उस समय Australia जो है separate हो गया था. Mesozoic era was the golden age of reptiles. उस समय बहुत छोटे छोटे mammals जो थे, they were shrew-like, वो बनने शुरू हुए थे अभी. Placental mammals being more adapted eliminated the egg-laying and most of the pouched mammals in other parts of the world. Placental mammals ne pouched mammals ko replace kar diya in other parts of the world. Egg-laying and pouched mammals of Australia survived because the placental mammals could not reach their
ड्यू टू लैक ऑफ द लैंड रूट. समंदर है ना, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ तो समंदर ही है, तो प्लेसेंटल मैमल्स वहां पे नहीं पहुंच पाए. इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कौन से जानवर ज्यादा पनपे? पाउच्ड मैमल्स यानी मार्सुपियल्स एंड एगलिंग मैमल्स यानी प्रोटोथीरियंस. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? मैंने पहले भी जिक्र करा है, एक क्लोजली रिलेटेड ग्रुप को बिलोंग करने के बावजूद अलग अलग दिशाओं में जब ऑर्गेनिजम्स एडजस्टेड होते हैं, अडेप्टेड होते हैं, तो हम कह देते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अमंग अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स. सो इट इज डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन. द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन वॉज प्रपोज्ड बाय एच एफ ऑसबॉर्न. एग्जाम्पल्स हैं अडेप्टिव रेडिएशन की, आपको याद होगा Darwin's finches of the Galapagos Islands. Darwin's finches, those small black birds. मैंने बताया था ना, finches are an example of adaptive radiation. इसका मतलब क्या हुआ? From the original seed-eating variety, finches originally, South American mainland से finches का एक झुंड, एक ग्रुप उड़ता हुआ या किसी तूफान में फंस गया होगा, वो Galapagos Islands पे पहुंच गया. Galapagos Islands में पहुंचने के बाद, they got a competition-free environment. So, वहां पे उनमें से फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग वेराइटी फिंचेस विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ बीक इवॉल्व. देर वर इंसेक्टिवोरस ट्री फिंचेस, देर वर वेजिटेरियन ट्री फिंचेस, कैक्टस ईटिंग फिंचेस, अलग अलग तरह के फिंचेस की चोंच फिर वहां से बनी. ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल्स जो है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं. आप जानते हैं देर आर मार्सुपियल्स which are called flying phalanger, there is koala, Tasmanian wolf, Tasmanian tiger cat, numbat ant eater, kangaroo. आगे जिक्र करते हैं इन सब का. Darwin's finches, they had common ancestors but now have different types of modified beaks according to their food habit. It were finches who gave Darwin the idea of natural selection. Darwin जब Galapagos Islands में पहुंचे थे तो बहुत हैरान हुए वो देख करके कि Galapagos Islands आर लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन. यहां पे पाए जाने वाले जानवर कितने अलग अलग प्रकार के हैं, दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट्स ऑन द मेनलैंड. तो इसलिए डार्विन ने Galapagos Islands को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन कहा. Galapagos Islands कहां लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन, नियरली 960 किलोमीटर्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. बाईस आइलैंड्स का ये समूह है, बाईस आइलैंड्स का ग्रुप है, 14 मेजर आइलैंड्स हैं, 8 माइनर आइलैंड्स हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं ये, समंदर में वॉल्केनो के फटने से बने हैं, इन्हें गोयानो आइलैंड्स भी कहते हैं. Galapagos इज अ स्पेनिश वर्ड, Galapagos का मतलब है जॉइंट टॉर्टॉइस, क्योंकि यहां पे पाए जाने वाले कछुए इतने बड़े बड़े हैं कि कछुए के ऊपर बैठ के आप आइलैंड की सवारी कर सकते हैं पूरी. यहां पे जॉइंट लिजर्ड्स हैं, इगुआनास, मैरीन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इगुआनास. सो डार्विन ने फिंचेस जब देखी वहां पे तो वो बहुत प्रभावित हुए थे उनसे. और फिंचेस को डार्विन ने खुद नहीं कहा था डार्विन्स फिंचेस, ये तो बाद में लगभग 1947 की बात है, डॉक्टर डेविड लैक ने जब डार्विनिज्म पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई डार्विन को सम्मान देने के लिए हमें इन फिंचेस को डार्विन्स फिंचेस कहना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मार्सुपियल्स जो है, एनसीईआरटी से डायग्राम लिया गया आपके लिए. ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग मार्सुपियल्स पाए जाते हैं. देयर इज तस्मानियन वॉल्फ, देयर इज टाइगर कैट, Banded ant eater, marsupial rat, there is wombat, this is kangaroo, bandicoot, koala, marsupial mole, sugar glider, the flying phalanger. So Australia में जो marsupials पाए जा रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं. Convergent evolution का मतलब क्या होता है? Convergent का मतलब है बेटा development of similar functional structures among a group of widely related animals. Widely related animals में common features मिलना आपको, that is convergent. जैसे एक मछली भी तैरती है पानी में, एक वेल भी तैरती है, दोनों का body structure आप देखें लगभग आपको वैसा ही नजर आएगा, पानी में तैरने के लिए adjusted है. फिश जो है, स्कॉलियोडॉन फिश या डॉग फिश का जिक्र करें, पाइसिस को बिलोंग करती है. जब आप वेल की बात करते हैं, वेल बिलोंग्स टू मैमिलिया. सो एक मैमल और एक फिश, दूर दूर का रिश्ता है, दोनों पानी में तैर रहे हैं, तो ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाएगा. डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर्स
इन अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अडेप्टिव कॉन्वर्जेंस। दूर दूर का रिश्ता होने के बावजूद एक कॉमन बात पे आकर के मिलना इज व्हाट इज अडेप्टिव कॉन्वर्जेंस। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव कन्वर्जेंस। अब आप इसमें देखिए एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, ये पूरा जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है जिसमें एनिमल्स के नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लेसेंटल मैमल और उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अगर प्लेसेंटल मैमल में मोल है हमारे पास, सो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में सिमिलर मार्सुपियल मोल है। प्लेसेंटल मैमल में ये ग्रेट एंट ईटर है, देयर इज तमंदुआ, टेट्राडेक्टाइला और भी कई तरह के एंट ईटर्स हैं। नाउ इन द मार्सुपियल देयर इज नंबर्ड एंट ईटर। प्लेसेंटल मैमल में देयर इज माउस, देन देयर इज मार्सुपियल माउस, देयर इज लीमर, देयर इज सिमिलर स्पॉटेड कस्कस, देयर इज फ्लाइंग स्क्विरल, स्क्विरल गिलहरी जो होती है, देयर इज फ्लाइंग फैलेंजर, देयर इज बॉब कैट, देयर इज तस्मानियन टाइगर कैट, देयर इज दिस वॉल्फ, भेड़िया जैसे कहते हैं, दिस इज तस्मानियन वॉल्फ। समझा? सो मैमेलिया जो है, ओवरऑल मैमेलिया जो है उसकी दो डिविजन्स हैं, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया में प्रिमिटिव एगलिंग मैमल्स, प्रोटोथीरिया में एक ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा, सिंगल ओपनिंग मोनोट्रीम्स जो है मार्सुपियल, सॉरी जो एगलिंग मैमल्स हैं। देन थीरिया जो है वो फर्दर डिवाइडेड है मेटाथीरिया एंड यूथीरिया में। मेटाथीरिया में मार्सुपियल्स आते हैं, पाउच्ड मैमल्स जिनका जिक्र हो रहा है इधर, और यूथीरिया में ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं जिसमें फर्दर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, पेरिसोडेक्टाइला, आर्टियोडेक्टाइला, इंसेक्टिवोरा, सिटेसिया, साइरिनिया, चिरोप्टेरा, डर्मोप्टेरा, हायरकॉइडिया, टिब्यूलीडेंटाटा, वो आपको एनिमल किंगडम में बताऊंगा जब हम यूथीरिया के ऑर्डर्स का जिक्र करेंगे। ठीक है मेरे बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अडेप्टिव कन्वर्जेंस, वही बात कि भाई अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करने के बावजूद एक कॉमन बात पे आके मिलना। वेल भी पानी में तैर रही है और एक डॉगफिश भी पानी में तैरती है, ऐसे ही इंसेक्ट्स भी उड़ते हैं, बर्ड्स भी उड़ते हैं, बर्ड्स भी उड़ते हैं और बैट भी। सो उनको जब आप कंपेयर करें, उड़ने वाली वो एक कॉमन हैबिट है उनमें। स्विमिंग हैबिट इन डॉगफिश स्कॉलियोडॉन एंड वेल, वेल बिलोंग्स टू मैमेलिया, फिश बिलोंग्स टू पाइसेस। क्लियर है जी? नाउ हम एक टर्म यूज करते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन एक खास केस हो जाता है एक तरह से अडेप्टिव कन्वर्जेंस का ही, आप कह लीजिए। पैरेलल इवोल्यूशन होता है डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अमंग अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। जब क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में आपको सिमिलर स्ट्रक्चर्स मिले, जैसे एक हिरन भी दौड़ता है और एक घोड़ा भी दौड़ता है, पेरिसोडेक्टाइला आर्टियोडेक्टाइला की एग्जाम्पल्स हैं और ये दोनों ही ऑर्डर्स हैं किसके, प्लेसेंटल मैमल्स के। सो व्हेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज फाउंड इन, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जब आपको कन्वर्जेंस क्लोजली रिलेटेड वालों में मिल रहा है तब उसे पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं, और जब वो कन्वर्जेंस आपको वाइडली रिलेटेड या अनरिलेटेड वालों में मिल रहा है तो उसे हम सिंपली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। सो पैरेलल में और कन्वर्जेंट में जो डिफरेंस है वो ये है। इसमें एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ रनिंग हैबिट इन डियर एंड हॉर्स, स्पाइनी एंट ईटर एंड स्केली एंट ईटर, दे बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। स्पाइनी एंट ईटर इज एकिडना, स्केली एंट ईटर इज पेंगोलिन, बट दे हैव एक्वायर्ड सिमिलर अडेप्टेशंस फॉर डाइट। सो आई होप आप पैरेलल इवोल्यूशन समझ गए कि जब क्लोजली रिलेटेड वालों में आपको कॉमन फीचर नजर आ रहा है तो वो पैरेलल कहलाता है, और जब वाइडली वालों में एक कॉमन फीचर नजर आ रहा है तो वो कन्वर्जेंस कहलाता है। क्लियर है जी? राइट? सो आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशन, और आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट शो करते हैं हमारे लिए, उनमें कमी नहीं आनी चाहिए। लेक्चर अपलोड होने के बाद आप अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा उस पर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू दोज कमेंट्स। क्लास 11th का टाइम टेबल बता दूं आपको, क्लास 11th के लिए हम आपको मिलते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, टाइमिंग्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के रहते हैं 4, 5 and 6 PM। क्लास 12th के टॉपिक्स के लिए हम लोग मिलते हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, टाइमिंग्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के 4, 5 and 6। तो ये 3 घंटे रोज के फिक्स हैं भाई आपके, हमारे लिए और हमारे आपके लिए। वेन एक अनदर इंपॉर्टेंट बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, बिकॉज इसी के जरिए आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं। दाएं बाएं आप देख सकते हैं क्या है, यहां पे आपसे ये कहा जा रहा है कि इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड इसके जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में वो आपको मिल जाएंगे जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा। वहां पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें जाइएगा, वहां पे लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग का, सब तरह के पेपर्स देखे हैं, हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं, अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं, अगली बारी आपकी है, बस एक विश्वास बनाए रखिए, एक रेगुलरिटी बनाए रखिए अपने पढ़ने में, वो बहुत जरूरी है। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए जेई एंड फाउंडेशन, यानी क्लास 9th एंड 10th के लिए अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल। सो आप सजेस्ट कीजिएगा अपने छोटे भाई बहन को, कजिन्स को, कि वो फाउंडेशन चैनल के वीडियोस जरूर एक्सप्लोर करें। इसी के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन का ये जो कठिन टॉपिक, या जो बहुत से बच्चों को बोरिंग भी लगता था, मैंने पूरी कोशिश करी आपको एनिमेशंस के साथ भी दिखाने की और ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिखाने की, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए और आपको परेशानी ना हो। बस अब आप एक काम करेंगे कि आप जो नोट्स हैं अगर प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, वेल एंड गुड, नहीं तो आप उन्हें सेव रखेंगे, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाएंगी। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर।